और जदयू के पूर्व नेता आरसीपी सिंह ने बीजेपी में शामिल होने के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। दरअसल आरसीपी सिंह ने बीजेपी ज्वाइन करने से पहले जदयू को लेकर बयान दिया था कि जदयू समाप्त हो गई है। इसी बयान पर बिहार सरकार के मंत्री जमा खान ने पलटवार किया है। जमा खान ने कहा कि जदयू समाप्त नहीं हुई है, बल्कि जदयू देश की पुकार है। सुनिए जमा खान ने और क्या कुछ कहा है। बाद उन्होंने कहा है कि जेडीयू समाप्त हो गई है, जीरो ये लोग हो गए हैं, अब देख रहे हैं ना, अभी आज आए हैं ज्वाइन करके, आपने देखा है कई बड़ा बड़े नेता इनके पास आए थे, आपने देखा होगा। जेडीयू समाप्त नहीं, जेडीयू तो आप देख रहे हैं देश की पुकार है, देश के हर जगह हर कोने में, हर प्रदेश के कोने में पुकार हम नेता की हो रही है। नेता की पहचान दुनिया में छवि में एक नंबर पर हुआ है, चूँकि उन्होंने जो भाईचारा मोहब्बत का पैगाम बिहार के अंदर दिया है, काम किया है, सबको लेकर चलने की बात किया है। हमेशा निर्देशित करते रहते हैं हम सब कार्यकर्ताओं को, सबको लेकर चलने की बात करते, कभी पार्टी की बात नहीं करते। जो भी लोग हम बिहार के अंदर रहे हैं उनके मान सम्मान स्वाभिमान रखने के लिए और विकास के लिए बराबर तत्पर तैयार रहे हैं। आज हिंदुस्तान का चेहरा बने हुए सब लोग चाहते हैं आगे बढ़े, निश्चित तौर पर 24 में हम लोग जवाब देंगे। अब देखिएगा परिवर्तन होगा इस बार निश्चित तौर। नीतीश कुमार को लेकर कह रहे हैं कि वो सिर्फ पर्यटन मंत्री बन चुके हैं, प्रधानमंत्री बनने का तो पूरा आरसीपी सिंह ने कहा। अपने मुँह से बोलना है, अपने मुँह से मियां मिट्टू कोई बोले ना, समय बताएगा ना, 24 का समय बताएगा उनको। वो तो रहे ना, उन्हीं के साथ में, वही ना बढ़ाए हैं, आप भी जानते हैं उनका कद कौन बढ़ाया है। अगर उनका कद को हमारे नेता नहीं बढ़ाते तो आज बीजेपी में गए होते, आज पहचान उनका बना होता। तो मुझे नहीं लगता है कि उनको ऐसा बोलना चाहिए, परेशान मानना चाहिए। जो हमारे नेता ने उनको कद बढ़ाने का काम किया, जिसको भी आगे बढ़ाने का काम किया, तो कम ये बात सोचना चाहिए। अगर मेरे नहीं होंगे तो उनके भी नहीं होंगे। तो बीजेपी में जाने पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है उनकी? कुछ नहीं, हम क्या बोलेंगे प्रतिक्रिया, वो जाए उनका मर्जी है, वो मर्जी उससे मतलब नहीं है। लेकिन हमारे नेता के खिलाफ बोलेंगे अच्छी बात नहीं, सही बात। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है कि जदयू सिर्फ शराब परोसने वाली पार्टी रही। छोड़ी ने भाई, उनको तो 24 से चुनाव है, कुछ भी बोलने को बोलने दिया, आप नहीं देख रहे हैं। अब मीडिया के साथ ही आप छिपा हुआ बिहार के अंदर क्या हो रहा है, कितना काम हुआ है, कितना जो है कानून बने हैं, भाईचारा मोहब्बत की बात बढ़ी, आप देख ही नहीं रहे हैं। लेकिन अब बीजेपी का जो है चुनाव है सामने, वो कुछ भी बोल सकते हैं लोग, आने वाले दिनों में और भी खत्म।